खबर मथुरा से, जो बीएससी कॉलेज में बी एलएलबी की पढ़ाई कर रहे समित का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेजकर जांच पड़ताल में जुट गई। तो वही पुलिस का कहना है कि शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं। परिजनों द्वारा बताया गया कि सुमित से किसी की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते सुमित की मौत हो गई। तो वही पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बीएससी कॉलेज के पीछे शव मिला है, उसकी जाँच की जा रही है और जल्दी खुलासा किया जाएगा। सुमित नाम है, भतीजा है हमारा जी, और ये पढ़ाई कर रहा है। कब से पढ़ रहा है मथुरा में? 3 साल हो गए, BA LLB कर रहा है लास्ट ईयर। हमें सुबह 7 बजे इनके दोस्त साथ जो रहते रूम पे उनका कॉल आई जी, तो हमें जब पता चली यार यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब आ जाओ। आपको क्या आशंका लग रही है? आशंका अभी पता नहीं, उसके साथ कोई दोस्त था साथ, क्या ऊपर वो नहीं है अभी। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं पता? इसका नाम सुमित था, उम्र एज क्या होगी? उमर है किसकी? 22 साल। परिवार में कितने सदस्य हैं? ये 2 भाई हैं, एक बहन थी, पिताजी गुजर चुके हैं। पिताजी गुजर चुके हैं। ये बड़ा था, छोटा था? छोटा है। छोटा है घर में? बड़ा घर में खेती करता है। हम सुमित नाम है। खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां नगर निकाय चुनाव भीमराव अंबेडकर जयंती के मद्देनजर पुलिस नगर और देहात में सुरक्षा की दृष्टिग्रस्त किया गया। वही SP देहात सागर जैन ने बताया है कि जहां नगर निकाय चुनाव और भीमराव अंबेडकर जयंती के दृष्टिगत आज कस्बा देवबंद और विभिन्न गांव में फ्लैग मार्च किया गया। बता दें कि उन्होंने बताया कि हर चौराहे पर पुलिस फोर्स मौजूद रहे, साथ ही निगरानी बरती जा रही। सभी त्योहारों और चुनाव को सकुशल कराने के लिए पूरी तरह से फोर्स तैयार है। आगामी नगर निकाय चुनाव, जुम्मे की नमाज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दृष्टिगत आज कस्बा देवबंद और विभिन्न गांव में फ्लैग मार्च किया गया। हर जगह पर पुलिस फोर्स मौजूद है, निगरानी बरती जा रही है और सभी त्योहारों और चुनाव को सकुशल करने के लिए पूरी तरह से फोर्स तैयार। आगामी नगर निकाय प्रयागराज जनपद से, जो प्रतापपुर विधानसभा के बलीपुर बाजार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा प्रतापपुर के विधायक वैजमा यादव और इसका संचालन योगेश पाल ने किया। वहीं सर्वप्रथम बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल आदि लोगों ने अपने अपने विचारों को मंच के माध्यम से रखा है, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। वही खबर यूपी के जनपद कन्नौज से, जहां तहसील चिबरामऊ अंतर्गत ग्राम मिश्रापुर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर 132वीं जयंती मनाई। वही आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी संजीव शाक ने 132वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहब की जीवन की चर्चा की। बता दें कि ग्राम पंचायत के सम्मानित लोगों ने भी भाग लेकर फूलमाला पहनाकर पुष्प अर्पित कर 132वीं जयंती मनाई। ललितपुर से, जहाँ गांव भवन जुआ की एक महिला ने बताया कि शाम 7 बजे कुएं पर गई हुई थी, तब उसके पड़ोसी ने अकेला देख कामन होकर महिला को जबरन पकड़ लिया। उसके मना करने पर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। महिला के चिल्लाने पर उसका पति और लड़का वहां पहुंचे। वही महिला के चीक से उक्त व्यक्ति के पिता व चाचा भी पहुंच गए। महिला के पति ने उक्त व्यक्ति के पिता व चाचा से घटनाक्रम बताते हुए FIR की बात कही, तो वही पिता और चाचा ने धमकाते हुए चुपचाप घर बैठने को कहा। महिला के विरोध करने पर तीनों आग बबूला हो गए और गली गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। क्या हुआ आपके साथ? कुएं के पास ट्रैक्टर मिल गए तो उसने हमारे गांव का पड़ोसी है रुद्धू, उसने पकड़ा झपड़ी की, जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो हम चिल्ले आने तो हमारे बच्चे और पति दौड़े और साथ में उनके विधायक के दौड़े, तो उनने पकड़ के हमारे बच्चों को और हमें और हमारे पति को लाते और भूषण से मारपीट की। मारपीट करने के बाद हमने जब थाने में जाएंगे तो वहां कहने लगे थाने में जाओगे तो मार के मेट देंगे। फिर मैं थाने में गई, वहां रिपोर्ट डाली, वहां पुलिस सुनवाई नहीं गई, अभी तक सुनवाई नहीं गई। तो इसके बाद हम ललितपुर जाएंगे,
गैस फेल हो जाएंगे तो वहां पे सबको डर करेगा। क्या सतना से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क इकाई द्वारा बनवाई जाने वाली सड़कों का भगवान ही मालिक, एक सिरे से सड़क बनती है तो दूसरे सिरे से उखड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। जनपद सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के तमाम जिम्मेदारों को पत्र लिखकर जांच की मांग की। इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि सड़क व पुल के निर्माण में न केवल भ्रष्टाचार किया गया बल्कि निर्माण से जुड़े अधिकारी भी कंपनी में लाभार्थी हुए। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नासर शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया, जो कि वस्तु स्थिति देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण में गुणवत्ता को लेकर कंपनी कितनी संजीदा रही। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जानकारी हमको मिली थी और हमने प्रधानमंत्री सड़क के जो जीएम साहब है हमें बताया था कि आपकी रोड में गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है, जिसमें सुधार कार्य करके और सही कार्य कराया जाए, तो इसकी जानकारी हमने दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम देखते हैं, अभी मैं मौके में जरूर नहीं जा पाया हूँ पर अभी जाएंगे और यदि रोड खराब है और सही सुधार नहीं हुआ है तो उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे और अच्छी सड़क बने, ये हमारा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो छोटे मोटे जनप्रतिनिधियों की शिकायत में ध्यान ही नहीं देते हैं और जो जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, जो क्षेत्र में इन सड़कों में लगातार शिकायतें आ रही हैं, उन लोगों को भी संज्ञान में लेना चाहिए, संज्ञान में मामले को लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। पर हमारे बड़े जनप्रतिनिधि इस ओर कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण थोड़ा अधिकारी उदासीनता करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, ये बात तो निश्चित है। और अधिकारी राज पूरी तरह से चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है न कोई देखने वाला है। लोगों का मानना है कि अधिकारियों की पूरी मिली भगत से ठेकेदार ऐसे गुणवत्ता विहीन कार्य करता है, ये तो मानना क्या है, तो बिल्कुल सच है। यदि अधिकारियों की मिली भगत नहीं होगी तो काम कैसे खराब होंगे, काम खराब हो ही नहीं सकते। अधिकारी मौके में जाए, इंजीनियर मौके में खड़े होकर के निर्माण कराए और उसको सुचारू रूप से उसकी देख रेख हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। यह मामला सतना जिले के मझगावा जनपद अंतर्गत परमनिया जागीर से कोखला तक जो सड़क बन रही है घोड़ा तक, उसकी बात करूँ या तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जितनी भी मझगवा जनपद क्षेत्र में बढ़ाई जाती है वो ठेकेदारों द्वारा इस तरह भ्रष्टाचार, मैं कहूँगा कि ठेकेदार के उसमें से अधिकारियों की मिली भगत जरूर होती है। यहाँ पर हमारे जो मझगवा विभाग का अधिकारी है वो इस तरह से संलिप्त भ्रष्टाचार में, उन्हें कमीशन चाहिए और रोड चाहे जिस तरह से जिस हालत में बना दी जाए। ऐसी प्रधानमंत्री सड़क योजना बहुत सी है जिनको बात की जाए, पर अभी हाल ही में एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, रामनगर खोखला वाली जो परवनिया जागीर बन रही है उसी सड़क पर आप देखिए किस तरह की हालत है और बनते ही बनते आगे आगे बन रही है, पीछे पीछे बनती जा रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जरा मेरा प्रश्न बन रही है, इसमें पुल के निर्माण में और रोड की सड़क के निर्माण में गड़बड़ियों की जानकारी हमको मिली थी और हमने प्रधानमंत्री सड़क के जो जीएम साहब है हमें बताया था कि आपकी रोड में गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है, जिसमें सुधार कार्य करके और सही कार्य कराया जाए, तो इसकी साथियों। खबर जालौन से, जो ऑपरेशन पाताल लगातार जारी, 24 घंटे में दूसरी बार अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के पहले जालौन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। जालौन में पुलिस ने असलाह फैक्ट्री का बंडा फोड़कर भारी मात्रा में असलाह बरामद किया है, तो साथ ही 12 तमंचे, 11 कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। वही पुलिस ने असलाह बनाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार भी किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर अलग अलग थाने में 15 मुकदमे पहले से पंजीकृत है। साथियों, जिला जालौन पुलिस जो अभियान जिला जालौन पुलिस ने छेड़ रखा अपराधी और अपराधी जिला, उसी सिलसिले में इंस्पेक्टर आटा ने आज बहुत अच्छा गुड वर्क किया। आज हमको सूचना मिली कि कुछ अपराधी अवैध असलाह बनाने का काम करते हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर आटा ने और बाकी पुलिसकर्मियों ने उस जगह की घेराबंदी करी और वहां से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों के कब्जे से 10 असला नाजायज असला तमंचे बरामद हुए, बाकी आधा दर्जन अध बने असले भी बरामद हुए, बाकी असला बनाने के अनेक यंत्र भी बरामद हुए। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इनका जो आपराधिक इतिहास पता चला है दोनों अभियुक्तों का, अभी धर्मदास पे करीब 1 दर्जन गंभीर धाराओं के मुकदमे पंजीकृत है। दूसरा अभियुक्त हरी सिंह, इसके ऊपर भी आधा दर्जन मुकदमे गंभीर धाराओं के पंजीकृत है।
ये जो फैक्ट्री संचालित हो रही थी ये थाना आटा के ग्राम ग्राम बरदार बरदार के जंगलों में ग्राम बरदार के जंगलों में ये फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। वहां से ये दोनों अभियुक्त दो ही अभियुक्त थे, दोनों अभियुक्त पकड़ गए। सुल्तानाबाद के बाद जनता प्रशासन की पुलिस अपराध और अपराधियों पर तालमेल के चुस्ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर दूसरी बार जनता प्रशासन की पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल 24 घंटे पहले यानी कल देर शाम उड़ी कोतवाली पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से दर्जनों बने आग बने असलाह बरामद किए गए थे। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा था और आज 24 घंटे में ये गुजरे थे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जनपद जालौन की आटा थाना पुलिस ने बरवा गांव के जंगलों में और अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज जो मुर्गी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में एडिशनल एसपी असीम चौधरी ने बताया है कि इनके आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन से अधिक विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित तौर पर इन जो है जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं उन पर एक संदेश साफ किया है कि इस जनपद जालौन में निकाय चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होकर ही रहेंगे। साथियों जिला जालौन पुलिस जो अभियान प्रतापगढ़ से जो बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया है, व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, तो वहीं व्यापारी का कहना है कि नजदीकी चौकी में घुसकर अपनी जान बचाई। नकाबपोश बदमाश काउंटर से रुपए निकाल रहे थे, मना करने पर व्यापारी पर फायरिंग करने लगे। साथ ही पीड़ित व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारी भारत निकल हाल है जो 24 घंटा हमारी खुली रहती है और सुबह अजय के टाइम 5:30 बजे हाँ दुकान पे मैं बैठा था कि दो लोग एक आपको चक्कर लगा रहे थे दुकान की, फिर हमारी दुकान के अंदर आए और दराज में हाथ डाल दिए और इसके बाद हमने कहा ये सब क्या हो रहा है, की तरफ वो हाथ ले गए। फिर हमने क्या किया काउंटर से कूद के अस्पताल की ओर भगे, तब तक ये फायर झोंकते हुए हमारे पीछे तक। कितनी फायरिंग आपके ऊपर हुई होगी? हमारे ऊपर 5 फायरिंग हुई। तो कुछ पैसा भी आप से ले पाए? नहीं, हम भाग गए वहाँ पुलिस चौकी के अंदर। कौन लोग थे कुछ आप पहचान पाए? हाँ ढाटा खुलने के बाद गुफरान ही हिस्ट्री थिएटर है, हाँ हमने पहचान पाए, दूसरे साथी हम पहचान पाए थे ढाटा खुल गया। उनसे क्या आपकी कोई और दुश्मनी भी थी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हासिम। मेडिकल हॉल आपका कहाँ पर है? ये मेडिकल कॉलेज के बगल भारत मेडिकल हॉल। हमारी भारत मेडिकल खबर सतना से जब मझगवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला सामने आया है। बता दें कि करवे जिले के मालकुंजे थाना अंतर्गत बड़ी पाटन निवासी विकास गौतम की पत्नी को बुधवार की रात प्रसव पीड़ा हुई, जिसके कारण विकास अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां पर चौकीदार रजन अपने साथियों संग शराब के नशे में धुत होकर विकास की बाइक सहित अंदर जाने से मना कर रहा था। बता दें कि पत्नी के प्रसव का हवाला देकर विकास बाइक अंदर ले गया, जिससे नशे में धुत रजन पांडे अपने साथ बालकृष्ण पांडे मिलकर तकरीबन 1 बजे अस्पताल में खड़ी पेट्रोल छिड़क कर बाइक को आग लगा दी।
खबर जो ऐसी है जो पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को उनके स्मृति में श्रद्धांजलि देकर उनको पुष्पाति अर्पित कर पिन फ्लैग वितरित किए गए। साथ ही कार्यक्रम का संचालन कर रही सुश्री प्रगति शर्मा ने झांसीवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने दैनिक जीवन में छोटी या बड़ी आग लग जाने पर घबराए नहीं, आग से बचाव के जो प्रारंभिक उपाय हैं उनसे बचाव की जानकारी रखते हुए अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।